वह अभागन थे तो आपको पानी पिला करके होश में लाई थी। ये देखिए स्वामी जी, आपके हाथ की सोने की मुद्रिका मुझे आप दान में दिए थे। जरा लाओ तो मुझे दिखा, तुम काहे ले लिया? महाराज तोरा सब जमाने चोरी पकड़ा गया। चोरी? हरम ज्यादा, मैं वो बेईमान नहीं जो अपने ईमान बेच दूं। जंगल तुम मुझे चोर कह रहा है, क्या ये मेरा है? जी आपका है, है? जंगल गलो शिकार करके वहाँ झाली करे लो। इधर सुनो, ऐसा मुंद्रिका हम एक दिखा देंगे सोनार भाई को, जी महाराज, वो हजार बना देगा, हजार बना देगा। कैसे माने ये मेरा है? बाबू ये चोर बोला चोर सा, चोर बोला चोर सा, तेरा यहाँ भी लोग फैसला कीजिए कि आपके कमर का जींस है, आपके कमर का फुल पैंट है, हम बच्चा को पहनाएंगे कहियो होगा हो। बुढ़वा चोरियो सीना चोरियो या बर्बाद लौटे बाज घंटे बाज बर्बाद। हरम ज्यादा कहीं का काट डालूंगा तुम्हें, ये मेरे उंगली में आ गया तो क्या ये मेरा हो गया? ए महाराज, उल्टी पुल्टी। अच्छा, उल्टी पुल्टी। साला उल्टी पुल्टी बरका बल्टी, उल्टी पुल्टी बरका बल्टी। इसीलिए तो जानी लेवर में तुम आता है, जाओ उधर साइड में। भिखारन? हाँ स्वामी जी। मैं मान लिया ये मुंद्री का मेरा है और तुम मेरी महारानी हो। हाँ पतिदेव। जब तुम मेरी महारानी हो तुम मेरे सामने अपना चेहरा क्यों छुपा रखी हो? इसलिए स्वामी जी कि मैं अपना चेहरा सभा के बीच दिखाने के लायक नहीं हूँ। आप ही लोग सोचिए, ये भरी हुई सभा में अपना चेहरा दिखाने की लायक नहीं है, ये भरी हुई सभा में मुझे स्वामी कहने की लायक है। अरे पागल औरत, तुम्हें मालूम नहीं कि महल में मेरी महारानी कितने करी दिमाग की है? मेरी महारानी कहीं अपने कानों से सुन ले, कोई गैर औरत मुझे स्वामी कह रहे हैं, उनके साथ ना जाने वो क्या से क्या कर बैठे। अगर तुम मेरी महारानी हो, तुम इस महल की महारानी हो, तो चलिए भरी हुई सभा में अपना चेहरा दिखाओ, नहीं तो जहां से आई हो फिर वहीं चलिए। फैसला तुम्हारे हाथ में है। हे ये भलता नरा
बेवफा है, मेरी जान तुझ पर फिदा है, मगर तो बड़ी बेवफा है। तेरी बेवफाई का, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तोहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो मेरी मोहब्बत की बताऊं आप लोगों को। महल में महारानी बता रही थी, उत्तम कुमार जब से दोस्ती किया है जंगल में, वो बार बार अपने महल को छोड़ के दोस्त से मिलने के लिए जंगल चला जाता है। देखा जाए कल का दिन गया है, अभी तक वो लौट कर नहीं आया है। आज मैं दरबार में फिर पुत्र का इंतजार कर रहे हैं। हाँ खुश रहो उत्तम कुमार, प्रणाम पिताश्री। हाँ खुश रहो ध्रुव कुमार, खुश रहो। ओम पति परमेश्वराय नमः। प्रणाम स्वामी जी। ये क्या, तुम एक भिखारन होके एक राजा महाराजा को स्वामी बना रहे हो? बता शरम नाम की चीज तुम्हारे पास है या नहीं? पतिदेव, अपने पति को पति ना कहूं और मैं क्या कह करके संबोधित करूं? अच्छा, तो तू इस महल की महारानी हो। कोई बात नहीं, भोलीन छोड़ता है। हाँ, थोड़ा सा हलुची हलुची। हाँ, क्या कीजिएगा, बरसात का मौसम है। बेटा उत्तम, आगे आओ। पहली बार तुम जंगल गया शिकार खेलने के लिए, जंगल से दोस्ती करके अपने दोस्त को साथ लाया। इस बार तुम जंगल गया, ये कौन भिखारन तुम्हारे साथ है जो मुझे अपना स्वामी बना रहे हैं? पिताजी, यह भिखारन नहीं है पिताजी, ये बल्कि बड़ी माँ है पिताजी। हाँ। माँ है? हाँ पिताजी। तुम्हारी माँ तो महल में झूला झूल रही है और तुम इस भिखारन को अपना माँ मान रहे हो? पिताजी, जो माल में झूला झूल रहे अच्छा। वे माँ नहीं है बल्कि वे काली नागिन है पिताजी। छोटी मुंह बड़ी बात की तू जुबान पकड़ के खींच लूंगा। महामंत्री महाराज, लगता है मेरा पुत्र आज भांगोली खा लिया। भांगोली ना, मीनार 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 खाया है रे। अपनी माँ को काली माँ बोलता है और इस भिखारन को अपनी माँ। पीछे हटो तुम, भिखारन से भी पूछ लेते हैं। भिखारन, हाँ पतिदेव, तूने क्या सिखा दी मेरे बच्चे को जो ना जाने अपनी माँ को काली नागिन कर रहे हैं और तुम्हें अपना मान माँ मान रहे हैं? नहीं स्वामी। कौन हो तुम? मैं आपके पुत्र को अपना कर कुछ नहीं साबित कर सकती, बल्कि इतना साबित कर सकती हूँ मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, आप मेरे पति देव है स्वामी। अच्छा, तुम एक भिखारन होके एक राजा महाराजा को जो अपना स्वामी बना रहे हो, सबसे पहले तुम ये बताओ कि स्वामी कहने की तुम्हारे पास क्या सबूत है? हाँ स्वामी जी। हाँ? आज अगर आप सबूत मांग रहे हैं, मैं एक